किरण खेर जो है उसके साथ जब घोषणा पत्र उसका जारी हुआ था तो घोषणा पत्र कैलाश जैन जी ने बनाया, तो उस घोषणा पत्र में जितने भी मुद्दे थे मुझे लगता है लगभग सारे के सारे मुद्दे ज्यों के त्यों। सांसद जो होता है वो चंडीगढ़ का प्रतिनिधि होता है, उसके पास एज सच एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है किसी। तो क्वाड सिटी की जो बात हम कर रहे हैं कि रायपुर रानी से लेकर मोरिंडा तक और इधर डेराबसी से लेकर कोल्हापुर, ये रूट्स पे मेट्रो चलेगी तो चंडीगढ़ का जो जो प्रेशर है ट्रैफिक का ये कम होगा। जबल जान की बात करें या मैडम किरण खेर की बात करें तो चुनाव के दौरान जो हम प्रचार कर रहे हैं कहीं भी वो दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। मनीष तिवारी ओपन चैलेंज कर रहा है संजय टंडन को कि आके मेरे साथ ओपन डिबेट करें, तो संजय टंडन डिबेट क्यों नहीं कर रहे उनके साथ? देखिए वो एक बात कहते हैं ना, नाच न जाने आने टंडा, उनके शहर के बारे में नॉलेज तो है नहीं, डिबेट क्या करना चाहते हैं? उनको यही नहीं पता शहर की ये संरचना कैसे हुई है, कैसे किसी ये शहर बना है, पहले चंडीगढ़ के बारे में जाने उन्होंने, और उनसे संजय टंडन से क्या, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से डिबेट करवा लीजिए उनके चंडीगढ़ के इशू पे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनकी डिबेट का जवाब देने में सक्षम है। लेकिन युद्ध जो हमेशा कमांडर के नाम से लड़ा जाता है, हमारे कमांडर हम गर्व से कहते हैं हमारे कमांडर नरेंद्र मोदी है, उनके पास तो कमांडर ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्ता और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों चुनाव के इस माहौल में हमारा जो कार्यक्रम है चुनावी चर्चा, उसमें हम हर रोज कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ से किसी न किसी राजनीतिक नेता को, किसी न किसी राजनीतिक लीडर को आपके समक्ष करें, ताकि जो पिछले समय में काम पेंडिंग रहे हैं, जो आने वाले समय में जो काम होने वाले हैं, जो वादे जो दावे पार्टियां कर रही हैं उसके बारे में उनसे चर्चा की जा सके। आज इसी चर्चा के दौरान हमारे साथ चंडीगढ़ भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट कैलाश जैन जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जैन साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। इस समय चुनाव का माहौल जो है पूरी तरह से गर्मा गया है, जैसे मौसम में गर्मी है ऐसे ही सियासी माहौल जो है वो गर्माया हुआ है। तो भारत यहाँ पे जो चंडीगढ़ के जो हमारे भाजपा के जो इस समय उम्मीदवार हैं संजय टंडन जी, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। आप ये बताइए कि वो मनीष तिवारी से कैसे बेहतर हैं और हम उनको वोट क्यों दें? देखिए संजय टंडन को चंडीगढ़ का हर नागरिक जानता है, पिछले 50 सालों से वो चंडीगढ़ में है, उनकी शिक्षा दीक्षा जितनी भी हुई है चंडीगढ़ में ही हुई है, जो भी प्रोफेशन उन्होंने चुना है जो उनका काम है कार्यक्षेत्र है चंडीगढ़ का ही है, और पिछले 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि पूरे चंडीगढ़ वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ के तकरीबन 6.5 लाख वोटर हैं, मेरा ऐसा मानना है, और 6.5 लाख वोटरों में से कम भी 5 लाख वोटरों के साथ उनका कभी ना कभी पिछले 10 वर्षों के दौरान सीधा संवाद रहा है, उनसे मिले हैं या उनके साथ कहीं ना कहीं 5 लाख के आसपास वोटर जो हैं उनसे सीधे संपर्क साधे हुए हैं। तो इतने पॉपुलर और इतने लोगों के लोकप्रिय, सबके दुख सुख में काम आने वाले संजय टंडन, वो उन लोगों की पहली पसंद है। इसकी वजह से सबसे पहला कारण तो ये है कि भी लोकल है, और संजय टंडन बिल्कुल लोकल है, सबके अपने हैं, हमारे संजय टंडन है, इसलिए उनको वोट जरूर देना चाहिए। एक जो सवाल है वो मैं सबसे पूछता हूँ, जनरली हम पब्लिक से भी ये सवाल पूछते हैं, इस बार जो चंडीगढ़ के समीकरण है वो थोड़े अलग तरह के बन रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो थे वो गठबंधन में थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टफेर हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें वो गठबंधन में है, और भाजपा के साथ जो अकाली दल है उसका जो गठबंधन टूट गया, तो किस तरह के समीकरण आपको लगता है बन पाएंगे? देखिए जहां तक बात है भाजपा और अकाली दल के गठबंधन टूट जी, अकाली दल का चंडीगढ़ में कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, नहीं फिर भी एक पंजाबी एरिया है, पंजाबी एरिया भले ही है, चंडीगढ़ में जब जब अकाली दल के काउंसलर जीते हैं या लड़े हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कंधे पर पांव रख के वो कॉरपोरेशन में पहुंचे हैं। पिछली बार 2016 में हमने मिलकर चुनाव लड़ा था,
भाजपा और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। टोटल 26 वार्ड थे, 26 वार्ड में से बीजेपी ने 22 वार्ड जीत लड़े थे, 22 में से हमारे 20 वार्ड हमने जीते थे। अकाली दल ने 4 वार्ड लड़े, 4 में से केवल एक जीते, वो भी अपने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर जो हरदीप सिंह है उनका अपना एक वोट बैंक है, अपने गांव में उनकी पहचान थी, इस वजह से वो लड़े। अदरवाइज अकाली दल का कोई यहाँ पे किसी को कोई वो नहीं हुआ। 2021 में जब बात आई, 2021 में उन्होंने अकेले लड़के देख लिया, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो कैंडिडेट खड़े नहीं करने की स्थिति में थे, अकेले भाजपा के दम पे ही हमेशा चुनाव लड़ते रहे, इसलिए हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है चंडीगढ़ में। किरण खेर जो है उसके साथ जब घोषणा पत्र उसका जारी हुआ था तो घोषणा पत्र कैलाश जैन जी ने बनाया जी। तो उस घोषणा पत्र में जितने भी मुद्दे थे, मुझे लगता है लगभग सारे के सारे मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, चाहे लाल डोरे की बात करें, चाहे डंपिंग ग्राउंड की बात करें, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों की बात करें, मालिकाना हक की बात करें, तो वो मुद्दे सारे वहीं के वहीं हैं। तो पिछले 10 साल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस बार हम क्यों वोट दें? मैं फिर दोबारा वही बात करता हूँ, पिछले जो मुद्दे वहीं के वहीं हैं। देखिए, मैं इसमें ये मानता हूँ, मुद्दे जो है किसी भी शहर के, किसी भी प्रदेश के मुद्दे तो हमेशा रहते ही जी। और जहाँ तक पिछले घोषणा पत्र की बात है, पिछले घोषणा पत्र में से बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। चंडीगढ़ का एक अपना सेटअप है, जो प्रशासनिक सेटअप है वो चंडीगढ़ का अलग है, बाकी प्रदेशों की तरह से चंडीगढ़ का ये जो प्रशासनिक सेटअप नहीं है जी। चंडीगढ़ में सरकार नहीं है जी। चंडीगढ़ का जो सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पे डिपेंड करता है। हम लोग जो हमारा जो प्रतिनिधि होता है, सांसद जो होता है वो चंडीगढ़ का प्रतिनिधि होता है, उसके पास एज सच एग्जीक्यूटिंग पावर नहीं है किसी भी तरह से। वो अपनी एक बात प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचा सकता है और वो प्रशासन के अधिकारियों ने और उसके बाद प्रशासक ने, फिर उसके बाद केंद्रीय सरकार जो होम मिनिस्टर के अंडर ही आता है यूनियन टेरिटरी होने की वजह से, वहाँ उन पर फैसला लिया जाता है। जो सांसद होता है उसको फैसला लेने का अधिकार नहीं है, वो लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने का एक जरिया होता है। तो हमारे मैडम किरण खेर के पिछले 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं जो उनके बदौलत हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए, ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। इससे पहले 20 साल तक पवन बंसल कांग्रेस के सांसद थे, वो रहे हैं, उनके दौरान काम नहीं हुआ। अभी देखिए, अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ का 550 करोड़ रुपये से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है जी। मनी माजरा में एक अंडर पास बना, वहाँ के लोगों को निजात मिली, जो वहाँ रोजाना जाम लगता था बहुत, 24/7 पानी का प्रोजेक्ट हम लेकर आए, उसका प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। MBBS की जो सीटें GMCH में थी 50 से 150 सीटें हो गई, MBBS की सीटें PGI में के लिए मंजूर हो गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैडम किरण खेर के काम में हुए, उनके कामों की अगर फहरिस्त हम बताएं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और आने वाले अब ये जो नया चुनाव घोषणा पत्र जो हमारा बनेगा मैनिफेस्टो, उसमें हम सारे कामों का ब्यौरा भी देंगे। देखिए, जब भी हम वोट मांगने जाते हैं तो हम लोकल मुद्दों को उठाते हैं। आपने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम गिना दिए, लेकिन इसमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो मकानों का मालिकाना हक की बात है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। नीड बेस्ड चेंजेस की बात करें तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लाल डोरे की बात करें तो वो सारे मुद्दे पिछले लंबे अरसे से वहीं के वहीं हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में भी हमने ये वादा किया पब्लिक के साथ कि हम इन मुद्दों को सॉल्व करेंगे, तो वो मुद्दे यहीं पे हैं। उस वजह से आज अगर देखें तो चंडीगढ़ के जो गांव हैं वहाँ पे लाल डोरा की जो दिक्कत है, इस वजह से पिंड बचाओ सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट नजर आ रही है। और अगर कॉलोनियों में जाएं तो जो मकानों की दिक्कत है उसको लेके भी कहीं ना कहीं लोगों का सुर बदला हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने 2-3 सवाल पूछ लिए, मैं हाँ। दोनों तीनों का बारी बारी जवाब देता हूँ। जी। जहाँ तक लाल डोरा की बात है, चंडीगढ़ एक बहुत लिमिटेड सा शहर है। इसमें एक दूसरी बात, यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा, अपनी सरकार नहीं है। बाकी प्रदेशों में जो एक सरकार होती है, कैबिनेट होती है, कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर वो पास कर लिया जाता है कि लाल डोरे को एक्सटेंड कर दिया जाए।
चंडीगढ़ में लिमिटेड एरिया है, इसमें लाल डोरा को एक्सटेंड करने का कोई प्रावधान नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि गांव की एक हद है, हद के बाहर अगर आप 1 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है उसमें लिमिटेशन है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ हमने पहले भी ये बात कही थी, अब भी हमारा ये पक्का ये संकल्प है और हम ये पक्का हिस्साबारी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ये काम करवा के देंगे कि चंडीगढ़ के लाल डोरे के बाहर जो मकान बने हुए हैं, जितने भी आवास बने हुए हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। बिजली, पानी, सीवरेज सारी चीज़ें हम देंगे। दूसरी बात ये है कि अभी अब चंडीगढ़ के गांव ऑलमोस्ट जो है वो सारे कॉरपोरेशन के अंडर आ गए हैं, तो कॉरपोरेशन में आ गए हैं, लाल डोरे की बात ही खत्म हो गई है। अब बात रह गई है कॉरपोरेशन के लाल डोरे के बाहर के जो थोड़ा सा एरिया बचा है उसमें जो बस्तियां बस गई हैं, जो मकान बन गए हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं देने की बात है, हम उनको मूलभूत सुविधाएं दिलवाएंगे और जो वहाँ निर्माण हुआ है उसको रेगुलर करवाएंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी आपने बात करी हाउसिंग बोर्ड की, जी हाउसिंग बोर्ड का एक बहुत बड़ा तबका है, इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने बहुत सारा एनक्रोचमेंट सड़क पे कर लिया, ठीक है, विद इन बाउंड्री जो एनक्रोचमेंट किया हुआ है, जो चेंजेस किए हुए हैं, हमारा हमेशा शुरू से ये बात रही है कि विद इन बाउंड्री अगर आपने कुछ चेंजेस किए हुए हैं हाउसिंग बोर्ड के, हम उसको रेगुलर करवाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। पिछले 10 सालों में बहुत बारी उनको सुविधाएं भी दी गई हैं, बहुत बारी उनके लिए नई नई योजनाएं भी लाए गए हैं, अलग अलग उनको फैसिलिटीज भी दी गई हैं और आगे भी, अब हमने ये हमने नए मैनिफेस्टो में अब ये ला के दे रहे हैं, हमारे संजय टंडन जी बार बार ये कह रहे हैं कि बार बार हमने पिछले अगर 10 साल में कहें तो कम से कम भी 10 बार हमने अलग अलग बोर्ड की मीटिंग करके अलग अलग सुविधाएं लोगों को दी है, लेकिन अब हम इसको वन टाइम सेटलमेंट में लेके दिल्ली पैटर्न पर इसको रेगुलराइज करेंगे। जो मकान विद इन बाउंड्री बने हुए हैं, बाहर बने हुए हैं उसके लिए हम कभी भी वादा नहीं कर रहे हैं, बाहर वालों को हम रेगुलर करवाएंगे। अगर बाउंड्री से बाहर है, सड़क किसी ने एनक्रोचमेंट करी है तो वो गलत है, तो गलत ही है, उसको मैं मान, बिल्कुल ठीक है। अगर जो अंदर बने हुए हैं उनको हम पक्का करवाएंगे। अभी आपने तीसरा आपने बात करी मालिकाना हक, मालिकाना हक जो टेनामेंट कॉलोनीज थी आज से 40 साल पहले 70-80 के दौर के अंदर, कुछ घरों को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ लोगों को टेनामेंट कॉलोनीज VWS हाउसेस जो थे वो अलॉट किए गए थे। 40 साल हो गए उस टाइम, एक पिताजी को मकान मिला, उसके बाद उसके बच्चे हो गए, मकान मिला 1.5 कमरे का 2 कमरे का 2 बेडरूम का मकान था, बच्चे हो गए, 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों का 4 परिवार उस घर में रह नहीं रह सकते, किसी ना किसी वजह से उन मकानों को आगे उन्होंने बेच दिया। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो क्या हुआ, जो मकान जो था वो मालिकाना हक नहीं था, मालिक नहीं थे वो, उनको किराए की रसीदें दी जाती थी, बिल्कुल ठीक है, किराए की रसीद उसी आदमी के नाम से कट रही है जिस आदमी के नाम से वो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ये मानना ये है कि हमने इस बारे में पूरा सर्वे करवा लिया है, एक योजना हमने गवर्नर साहब को दी थी, उस पर काफ़ी हद तक काम हो गया है कि अब सर्वे होने के बाद जो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन मकानों में जो रह रहे हैं, अब जो आगे जो किराए की रसीद है उनकी टेनामेंसी जो है, उनकी लीज जो है, उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाए, इस बात के प्रयास करेंगे। और शायद मुझे लगता है हमारे श्री संजय टंडन जी ने इस बात का वादा किया है कि आने वाले 3 महीने में सांसद बनते ही सबसे पहले ये काम भी करवाएंगे और 3 महीने में वो टेनेंसी एक्ट जो ट्रांसफ़र है करवाया जाएगा। अभी आपने एक बात कही कि चंडीगढ़ एक बहुत छोटा सा शहर है, चौरस डिब्बे जैसा शहर है, ये एक्सटेंशन इसमें हो नहीं सकती। आपने पीछे मोनोरेल की बात की थी कि मोनोरेल चलाएंगे, 144 स्क्वायर मीटर के मतलब वर्ग मीटर का शायद ये शहर है, जो एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं पता, तो आपको लगता है कि जो मोनोरेल का जो ये है इसमें पॉसिबल है इस शहर में? देखिए मोनोरेल वाली जो बात थी वो इस वजह से थी कि भी हम चंडीगढ़ के विद इन चंडीगढ़ ही हम चला सकें। हाँ जी, लेकिन अब टाइम के अनुसार अब हम देखते हैं कि चंडीगढ़ से बाहर का जो ट्राई सिटी, क्या अभी तो ट्राई सिटी के साथ ये मुल्लापुर भी जुड़ गया है, क्वाड सिटी हो गया है ये, तो यहाँ से ट्रैफिक चंडीगढ़ में रोज़ाना बहुत आता है। लगभग एक सर्वे अभी पीछे कल बता रहे थे संजय जी कि लगभग 60,000 व्हीकल्स रोज़ाना सुबह चंडीगढ़ में एंटर करते हैं और 60,000 व्हीकल ही चंडीगढ़ से बाहर जाते हैं।
चंडीगढ़ में काम करने वाले लोग पंजाब मोहाली पंचकूला जीरकपुर मुल्लापुर में रहते हैं, वो लोग भी मोहाली खरड़ सारी जगह से आते हैं और यहाँ वो ट्रैफिक का रश बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब ये जो हमने जो दोबारा से जो सिस्टम शुरू किया है, जो हमने सोचा है, जो हमारी सोच है कि इसको रायपुर रानी से लेकर और मोरिंडा तक मेट्रो रेल चलाई जाए, ताकि उधर साइड उधर से जो लोग आने वाले हैं, बाहर से भी, शहर से बाहर जो आने वाले, अपने जो कालका से अगर कोई व्यक्ति चलेगा और उसको 40 सेक्टर में काम है, तो कालका से आके पहले चंडीगढ़ उतरे, चंडीगढ़ गाड़ी खड़ी करे और चंडीगढ़ से मेट्रो में बैठ के या मोनोरेल में बैठ के 40 सेक्टर में जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो कालका से ही उसको मेट्रो रेल मिले और सीधा 40 सेक्टर तक जाए। तो अब क्वाड सिटी की जो बात हम कर रहे हैं कि रायपुर रानी से लेकर मोरिंडा तक और इधर डेराबसी से लेकर मुल्लापुर तक, ये रूट्स पे मेट्रो चलेगी तो चंडीगढ़ का जो जो प्रेशर है ट्रैफिक का, ये कम होगा और ये इसमें बहुत इजीनेस होगी। चंडीगढ़ में जो पिछले दो सांसद रहे हैं हमारे, सत्यपाल जैन की बात करें या मैडम किरण खेर की बात करें, तो चुनाव के दौरान जो हम प्रचार कर रहे हैं कहीं भी वो दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ में कोई बड़ा नेता आता है तो मैडम किरण खेर जरूर अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराती हैं, इसके अलावा वो कहीं भी मुझे कंपेन में नजर नहीं आए। बस एक जिस दिन नॉमिनेशन भरने गए टंडन साहब, उस दिन साथ में नजर आए। तो इसके पीछे के क्या कारण है, क्योंकि नाराजगियां हैं या इसके पीछे के कुछ और कारण है? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल से संजय टंडन के लिए चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और दिल से ये चाहते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई मनभेद नहीं होता आपस में, बातों का आपस में कोई मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एकजुट होकर संजय टंडन को जिताने में लगा हुआ है। इसी प्रकार से माननीय सत्यपाल जैन जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके पास एक संवैधानिक जिम्मेवारी है, वो एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया है, उनका एक पास एक सरकारी तौर पर एक जिम्मेवारी है, वो आमतौर पर खुले में ऐसा वो नहीं कर पाते, लेकिन जहां उनका जो जहां जहां भी वो जा सकते हैं, जहां उनका सहयोग चाहिए वो उनका सहयोग हमेशा हमेशा मिलता रहा है। किरण खेर मैडम लगातार हमारे संपर्क में है, हमारे साथ हर प्रचार में भी जहां जहां हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं। और ये जो एक लेवल से ऊपर के जो नेता हो जाते हैं ना, फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो डोर टू डोर कंपेन में नहीं जा सकती है। ये एक उनकी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, सारे शहर को पता है, डोर टू डोर कंपेन में नहीं जाते, ड्राइंग रूम मीटिंग्स में नहीं आती है। तो बाकी जो हम रैलियां करते हैं उसमें आ रही हैं, जो रैलियां तो बड़े नेताओं की होंगी डेफिनेटली, और उसमें वो आ रही है और लगातार वो स्टेज पे आके लोगों को अपील भी कर रही है, नजर ही नहीं आ रही है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है और संजय जी के लिए वोट भी मांग रही है। तो ये नहीं कह सकते कि वो प्रचार में हिस्सा नहीं ले रही है। मनीष तिवारी ओपन चैलेंज कर रहा है संजय टंडन को कि आके मेरे साथ ओपन डिबेट करे, तो संजय टंडन डिबेट क्यों नहीं कर रहे उनके साथ? देखिये, वो एक बात कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनको शहर के बारे में नॉलेज तो है नहीं, डिबेट क्या करना चाहते हैं वो, तो दोष लगाते हैं संजय टंडन पे कि उनको कुछ पता नहीं है यहाँ के मुद्दों का। उनको उनके कहने से नहीं होता है ना, ये तो जनता ने जो देखना है। संजय टंडन एक एक घर के मुद्दे को जानते हैं, एक एक शहर के एक एक छोटे से छोटे मुद्दे को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। उनको तो शायद ये भी नहीं पता, पिछले दिनों उनकी वो ला रही थी, वो कह रहे थे 55,000 लोगों के लिए शहर बनाया था, जबकि 55,000 उनके लिए नहीं, 5,00,000 लोगों के लिए शहर बनाया गया है। उनको यही नहीं पता शहर की ये संरचना कैसे हुई है, कैसे किस लिए शहर बना है। चंडीगढ़ में वो कहते हैं जन्म उनका चंडीगढ़ में हुआ मानते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में रहे कितने हैं वो, चंडीगढ़ के कितने लोगों से को जानते हैं? चंडीगढ़ के मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसा अभी आपको बताया, 6.5 लाख वोटरों में से 5,00,000 लोगों को संजय टंडन बाई नेम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, वो शायद 500 लोगों को भी नहीं जानते। तो वो किस बात से ये डिबेट की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पहले चंडीगढ़ के बारे में जाने और उनसे संजय टंडन से क्या, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से डिबेट करवा लीजिए उनके चंडीगढ़ के इशू पे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनकी डिबेट का जवाब देने में सक्षम है। तो फिर ओपन एक बार डिबेट करवा दीजिए ना, उनकी ओपन डिबेट में आ जाए एक बार सामने, तो पता लग जाता है कि कैंडिडेट कहां खड़ा है। किसी के कहने से, किसी के यूं भुक्की हवाओं से हम लोग प्रवोक होने वाले नहीं है। बिल्कुल ठीक, डिबेट कराने के लिए कोई अच्छा मंच आएगा तो हम उस पर भी आ जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि संजय टंडन को काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसको एमपी का इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए।
उसको पता है काउंसिल करने इलेक्शन लड़ने के लिए शहर की नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब वो खुद को काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं मानते। काउंसलर का इलेक्शन जो है वो ऐसा व्यक्ति लड़ सकता है जिसको शहर की एक एक छोटी से छोटी गली के बारे में, सीवरेज के बारे में, शहर की छोटी छोटी बातों की चिंता होती है। मनीष तिवाड़ी को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, संजय टंडन को सब कुछ पता है। वो काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, एमपी का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, हमारा नेतृत्व चाहेगा, तो मंत्री भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हर प्रकार की काबिलियत है उसमें। आप भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन की बात करती है, जब भी वोट मांगती है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि मोदी को वोट दो। तो लोकल कैंडिडेट जब संजय टंडन की बात आती है या किसी भी कैंडिडेट की बात आती है, हम पहल उसको क्यों नहीं देते, पहल हम मोदी की बात क्यों करते हैं, या भाजपा को क्यों नहीं कहते हम कि भाजपा को वोट दो? देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है ये राष्ट्र के नाम चुनाव हो रहा है, राष्ट्र का चुनाव है जी। जब भी आप जैसे कह रहे थे कि कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र को किस दिशा में लेके जाना है, पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को किस दिशा में लेके गए हैं, उन्होंने देश की को विकसित भारत की तरफ लेके जाना है। तो एक विजन है हमारे पास कि मोदी जी का विजन, भारतीय जनता पार्टी के विजन को लेकर मोदी जी आगे चल रहे हैं, जिसके जो कमांडर होता है ना जी, कमांडर के नाम से ही युद्ध लड़ा जाता है। लड़ने वाले तो सैनिक होते हैं, लेकिन युद्ध जो हमेशा कमांडर के नाम से लड़ा जाता है। हमारे कमांडर, हम गर्व से कहते हैं हमारे कमांडर नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास तो कमांडर ही नहीं है। 20 भानुमती का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उन्होंने इकट्ठा कर लिया, उनके पास तो कमांडर ही नहीं। हमारे पास तो कमांडर है ना, वो हम क्या कहेंगे, हम कमांडर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? मैं फिर चंडीगढ़ की राजनीति पे आता हूँ, चंडीगढ़ के मुद्दों पे आता हूँ। चंडीगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है डंपिंग ग्राउंड, डडूमाजरा कॉलोनी के पास डंपिंग ग्राउंड है, वहां के लोग बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि पिछली बार मैडम किरण खेर आए, उन्होंने कह दिया 3 महीने में यहाँ से डंपिंग ग्राउंड जो है उठा दिया जाएगा। इस बार संजय टंडन जी आए, उन्होंने 6 महीने में डंपिंग ग्राउंड वहां से उठाने की बात कही। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें पॉसिबल है? देखिए, इसकी अगर बात करें हम, डंपिंग ग्राउंड चंडीगढ़ में बना क्यों जी? चंडीगढ़ में डंपिंग ग्राउंड केवल और केवल कांग्रेस की देन है। जब ये कॉरपोरेशन बनी और जब ये डंपिंग ग्राउंड की बात आई, एक ऐसी कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया, रोजाना 500 टन का कचरा शहर से निकलता था और वो प्रोसेस होता था 200 टन, वो 200 टन भी पूरा नहीं हो पा रहा था। अब उसकी वजह से जब वो एक्स्ट्रा 200 250 300 टन रोजाना कचरा वहाँ डंप हो रहा था, तो उसकी वजह से वो ढेर लगता गया। अब हमने जो पिछली बार से, जो जब से किरण खेर मैडम आई है, इस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, बायो माइनिंग का काम शुरू किया है, उसमें से 70% रादर 80% जो डंपिंग ग्राउंड का जो डंप पड़ा हुआ था पूरा हो गया, और आने वाले 3-4 महीने में वो सारा डंप क्लियर हो जाएगा, सबको दिख रहा है। और ये प्रैक्टिकली बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि भी कोई कागजी बात कह रहा हूँ या सिर्फ हवा हवाई की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली वहाँ से डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा हटना शुरू हो गया है, और वो आने वाले 6 महीने में जो बचा है वो खत्म भी हो जाएगा। पिछला जो आपका मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसमें आपने जो पीने वाले पानी की समस्या की बात की थी, कजौली वाटर वर्क्स के उसके 6ठे चरण की शुरू करने की बात करी थी, तो अभी जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए, मेयर ने घोषणा की कि वो 20,000 लीटर पानी फ्री देगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? देखिए, पानी की जहां तक बात है, चंडीगढ़ में हम कजौली वाटर वर्क्स का ये प्रोजेक्ट लाकर चंडीगढ़ में 24/7 पानी का लेकर आए हैं। इसका पायलट प्रोजेक्ट मनीमाजरा में शुरू हो गया है, और इसके इलेक्शन के तुरंत बाद बाकी शहर में भी 24/7 पानी आ जाएगा। तो उससे पानी की जो है, लोगों को पानी भर के रखने की ज़रूरत नहीं होगी, वेस्टेज कम होगी, और डेफिनेटली पानी की समस्या से चंडीगढ़ समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक बात है फ्री विज की, ये कहते थे फ्री पानी बिजली की बात जो करते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। चंडीगढ़ के लोग कहीं भी किसी भी तरह से फ्री नहीं चाहते कुछ भी। दूसरी बात, हमने ये कहा है कि हमें 20,000 लीटर क्यों, 40,000 लीटर फ्री देते हैं,
अब जो हम 300 करोड़ रुपया हर साल पंजाब सरकार को दे रहे हैं पानी के बदले में, अब पंजाब में आपकी सरकार है उसको माफ करवा देना, आप उससे माफ करवा दें हम पानी दे देंगे। अब चंडीगढ़ के लोगों का कहीं उसका जो भार जो है टैक्स पेयर्स का भार, हम लोगों को फ्री में पानी देकर हम इस बात में ना तो हम इसके हक में है और ना चंडीगढ़ वासी चाहते हैं इसको फ्री पानी मिले उनको। अगर वो चाहें, अगर उनको में इतना दम है, अगर वो पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पंजाब सरकार से हमारा जो पानी का जो बिल जाता है पंजाब सरकार की तरफ से उसको माफ करवा दें, हम फ्री के लिए हम भी उनके साथ तैयार हो जाएंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली में ये फ्री की बात कर रहे हैं, वही बात है, बिजली हमारे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोलर एनर्जी की जो बात करी है, सोलर एनर्जी हर घर पर सोलर एनर्जी जब लग जाएगी तो अपने आप ही फ्री हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये कहाँ से फ्री देंगे? चंडीगढ़ वासी, पढ़े लिखे चंडीगढ़ शहर के वासी हैं, वो किसी चीज को फ्री नहीं चाहते, कोई खैरात नहीं चाहते, वो अपना हक चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, सुविधा दीजिए, फ्री के झांसे में मत इनको लुभाइए, मेरा यही कहना है। चंडीगढ़ भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट कैलाश जैन जी आज हमारे दरमियान आए, बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की, पार्टी के अंदर की बातें, बहुत सारे मुद्दों की बातें और आने वाले टाइम में जो वादे कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें की। जैन साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।